इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो प्रोफेसर आसम हुज़ूर साहब की बुक है फर्स्ट ईयर की स्टेटिस्टिक्स, उसका चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज 3/4 इन ईच ऑफ द 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, देन फाइंड द फॉलोइंग गिवन प्रोबेबिलिटीज एट द स्पेसिफिक वेरिएबल्स। तो ये बोर्ड के पेपर में देखा जाए तो ये 2000 के पेपर में अपीयर हुआ हुआ है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सवाल में गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एन गिवन है, वो 5 है, इसका मतलब प्रॉबिलिटी दी हुई है कितनी दी हुई है, 3/4 दी हुई है। तो क्यू किसके बराबर होगा, क्योंकि बायनोमियल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने सॉल्व करना है तो हमें क्यू भी चाहिए। क्यू होता है 1 - p के इक्वल, तो 1 - p 3/4 तो आ जाएगा ये हमारे पास 1/4। अब कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं वो क्या होती है, NcxP की पावर x q की पावर n - x, वेयर x वी नो दैट फ्रॉम वेरी फ्रॉम 0 to n। तो हमारे दिए गए फंक्शन में, हमारे दिए गए क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू 3/4 है, तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे। 5 Cx, p की वैल्यू मेरे पास 3/4 की पावर x, q की वैल्यू मेरे पास है 1/4, ये होगा 5 - x, वेयर x की वेरिएशन कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब पहला पार्ट क्या आपसे डिमांड है, कंप्लीट में तो ये है कि हम 0 से लेकर 5 तक निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, उसने कहा कि x = 0, सिर्फ वेरिएबल की कीमत जब 0 है तब फाइंड करें कि क्या आंसर हो सकता है। तो आप पुट कर दें जहाँ पे x है वहाँ पर 0 पुट कर दें, अब इस सारे को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/10^24। फिर क्या डिमांड कर रहे हैं, x < or = 3, 3 और 3 से कम जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर प्रॉबिलिटीज क्या बन सकती है। तो 3 और उससे कम, 3 और उससे कम कौन कौन है, 2 है, 1 है और 0 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 मालूम करनी पड़ेगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 मालूम करनी पड़ेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, यानी 4 नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले गुड कर दें, 0, 5, c, 0, 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 5 - 0, फिर हमने क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया कहाँ पर, ऊपर फंक्शन में। तो 5c1, 3/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 5 - 1, प्लस फिर आपने क्या पुट कर दिया, 2, तो 5c2, 3/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 5 - 2 पुट कर दिया, और फिर प्लस क्या रह गया हमारे पास, 3, तो 5c3, 3/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 5 - 3। अब इस सारे फंक्शन को जब आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं मज़ीद गाइड कर दूँगा आपको। तो पहले इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/76/10^24, यानी पहले इसका आंसर निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इन चारों आंसर्स को प्लस कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 था हमारे पास
पार्ट नंबर थ्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं, साथ साथ मैंने बुक भी रखी हुई है ताकि आपको उसकी पहचान रहे। एक्स ग्रेटर देन फोर, अब ग्रेटर साइन का मतलब क्या है, जिसको ये साइंस की पहचान हो जाती है ना, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है। ग्रेटर देन फोर का मतलब चार से ज़्यादा, चार से ज़्यादा कौन है, सिर्फ फाइव है मेरे पास, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव की फाइंड कर देंगे। तो फाइव सी फाइव, थ्री बाई फोर की पावर फाइव, वन बाई फोर की पावर फाइव माइनस फाइव, इसको सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर मेरे पास आ गया 243/10/24। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहते हैं, पार्ट फोर क्या कहते हैं, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, यानी मतलब क्या हुआ कि अब हमने जो प्रॉबर्टी फाइंड करनी है तीन और उससे ज़्यादा नंबर की, तो ज़्यादा नंबर कहाँ तक है मेरे पास, एन की कीमत पाँच है, तो पाँच से आगे मैं नहीं जा सकता, तो हम इसको क्या पहले लिखेंगे, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव। आप लिखेंगे 5c3, 3 by 4 की पावर 3, 1 by 4 की पावर 5 minus 3 is equal to 2, प्लस 5c4,